मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में आईपीएल मैच के तर्ज पर एमपीएल यानी मुंब्रा प्रीमियर लीग मैच खेला जाएगा। पहले ये मैच गोल्डन जुबली ट्रॉफी के नाम से खेला जाता था, मगर अब इस क्रिकेट मैच का नाम बदलकर प्रीमियर लीग रखा गया है। इसमें 8 टीमें भाग ले रही हैं। ठीक उसी तरह आईपीएल में जिस तरह से खिलाड़ियों की बोली लगाई जाती थी, उसी तरह से आज एमएम बोली स्टेडियम में 8 टीमों के ओनर ने खिलाड़ियों की बोली लगाई। मुंब्रा प्रीमियर लीग का मैच 18, 19, 20 दिसंबर को मित्तल ग्राउंड में खेला जाएगा। इस क्रिकेट मैच में भाग लेने वाले टीमों के नाम सनराइज स्पोर्ट्स क्लब, अल्टीमेट वॉरियर्स, मिजान स्टेलियन, एनएच राइडर्स, रंजीत राइजर, शार्ज 11, एनएच इंटरप्राइजेस, ये 8 टीमें खेलेंगी। मैच के आखिरी दिन महिलाओं की 2 टीमों के बीच भी मुकाबला होगा। महिलाओं की एक टीम कासर एरोली से रहेगी और दूसरी टीम कालशेखर कॉलेज यानी मुंब्रा में भी अब खेलों के प्रति लोगों की रुचि बढ़ते ही जा रही है। महिलाओं में भी मुंब्रा शहर में बहुत सारी महिलाएं हैं जो खेल कूद में मुंब्रा शहर का नाम रोशन करना चाहती हैं। मुंब्रा प्रीमियर लीग के बारे में सैयद अली अशरफ भाई साहब और शमीम खान ने क्या जानकारी दी है। भाई साहब, ये जो खेल होने जा रहा है क्रिकेट, इसमें कितनी टीमें जो है भाग ले रही हैं और क्या नाम है इस खेल का? क्या ये खेल पहली बार यहाँ मुंब्रा में आयोजित किया जा रहा है? पहले जुबली ट्रॉफी के नाम से मैच होता था 3 दिन का, लेकिन इसको हमने थोड़ा चेंज करके इसको DLF टाइप IPL टाइप कर दिया गया। अब जो है इसके अंदर जो है 8 टीम है, 8 टीम के ओनर्स हैं। जैसा आप वो मैच देखते हैं, लोग खरीदते हैं, कैप्टन्स खरीदा जाता है, अच्छा प्लेयर्स खरीदा जाता है, उस टाइप से ये करके 8 टीमें बनाई गई हैं। 8 इसके ओनर मालिक हैं जिनके अंडर में वो टीमें खेलेंगी। कब कब ये मैच होने वाला है? ये मैच 18, 19, 20 दिसंबर। खिलाड़ियों की अभी खरीद फरोख हुई है, तो इसमें सबसे महंगा जो खिलाड़ी है वो कौन सी टीम में है और क्या नाम? अभी ये चलता रहेगा मेरे ख्याल से 5 बजे तक। अभी तक जो सुबह आप बैठे हैं, जब से 5 बजे तक चलेगा। अब उसमें आखिरी स्कोरर कौन सबसे हाई जाता है वो 5 बजे के बाद ही मालूम पड़ पाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा महंगा बिका। कहाँ पे खेल होगा ये? ये मित्तल ग्राउंड के अंदर होगा। क्या इस खेल में कोई महिला टीम भी है जो इसमें आखिरी दिन एक महिलाओं की टीम रहे होगी जो कासर ओरवली से एक आएगी और एक हमारे कालशेखर कॉलेज की टीम रहेगी। उसको हम लोग एक महिला सशक्तिकरण के हिसाब से उसको हम मुंब्रा में ये चीज़ करेंगे ताकि उसमें जितनी भी हमारी कारपोरेटर्स हैं हर फील्ड से, जो बड़े उसमें प्रिंसिपल है, टीचर्स है या आईटी में कोई अच्छी सर्विस के अंदर है, उनको हम लोग उसमें बुलाने की कोशिश करेंगे ताकि वो एक मैसेज जाए कि मुंब्रा पढ़ भी रहा है और खेल भी रहा है। भाई साहब, क्या सोच किया आपने जैसे आईपीएल की तरह पे मुंब्रा प्रीमियर लीग का आयोजन करने का? ये मेरी सोच नहीं थी, साफ बता दूँ, ये नासिर भाई की सोच थी, सादिक भाई की सोच थी, हमारे जावेद भाई कहाँ गए पीछे बैठे, ये लोगों की सोच थी। मैं तो खाली वो नाव में बैठ गया हूँ, असली सच्चाई है मेरा तो यही लोग की मेहनत है और यही लोग की सोच है कि हम लोग कुछ नई चीज़ दें। तो हमारा 4 हुआ जुबली ट्रॉफी से, अभी ये हमारा 5वां वो है। तो ये सिर्फ मुंब्रा की टीमें खेलेगी कि कहीं बाहर? नहीं नहीं, ये पूरे बाहर की टीम रहेगी, कलवा थाना मुंब्रा। अभी और इसमें हमने जो बाहर की टीम आएगी वो 2 लड़कों को मुंब्रा के ही प्लेयर्स को लेना पड़ेगा, ये कंपलसरी किया गया ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो खिलाड़ी हैं वो इसमें एडजस्ट हो जाए। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई साहब को, नासिर भाई को, सादिक भाई को, जावेद शेख मेडिकल को, कि आज हमारे जो बच्चे नौजवान हैं उन बच्चों को मुंब्रा से थाने से बाहर जाकर के खेलने की एक सोच होती है, एक शौक़ होता है, उनकी एक चाहत होती है, लेकिन उन्होंने आज ये जो प्रोग्राम जुबली ट्रॉफी का एक नाम जो दे करके उन्होंने आज तकरीबन शायद मेरे ख्याल से ये 4 साल हुआ नासिर भाई जी, 4 साल हो गया। ये एक इतना बेहतरीन इन्होंने जो ये टूर्नामेंट का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करके हमारे शहर का नाम रोशन करने में जो इन्होंने काम किया है उसके लिए मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिस तरीके से आज का ये जो प्रोग्राम इन्होंने यहाँ पे रखा है, जो भी ओनर्स आएंगे उन्होंने जिस तरीके का भी बोली लगाएंगे और उसको एक पैकेज बना करके यानी नीलामी के तहत, यानी एक जोश, एक चाहत, एक जज्बा
मैंने जो देखा अभी अंदर बैठे हुए उन लोगों को कि किस तरीके से बोली लगा रहे हैं और किस तरीके से कह रहे हैं कि मेरा इस प्लेयर के साथ मेरा इतना पॉइंट है, तो वो एक शौक है, एक जज्बा है। मैं वाकई में इस सोच को सलाम करता हूँ और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही हो, कि 18-19-20 तारीख को यानी दिसंबर को आप मित्र ग्राउंड में आकर के इस जो ऑर्गेनाइजर हैं उनका हौसला बुलंद करें और मुंबरा का नाम रोशन करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।